अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको दुबई की एक ऐसी ही बहुत ही मशहूर स्ट्रीट्स पे लेके आया हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और शाम को तो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सामने देखें, उसके अलावा ये सामने देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये दुबई, डेरा दुबई में अल नखील सेंटर है, उसके नज़दीक ये बंगाली मार्केट के नाम से मशहूर है ये जगह, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं आगे चल के आपको विज़िट कराता हूँ कि भी यहाँ पे ज़्यादातर जो ना लेबर एरिया जो होता है ना, जो ऑफिस में इधर उधर से पाकिस्तानी बंगाली इंडियन जो हो गए ना, जो अपने काम काज से वापस आते हैं, तो इसी जगहों पे आके जो है ना वो ज़्यादातर मतलब कि चाय पीने के लिए ज़्यादातर आ गए, खाना खाने के लिए आ गए। यहाँ पे मोबाइल मार्केट भी हो गई, रेस्टोरेंट भी हो गया, तो हर तरह की भी यहाँ पे आपको मतलब कि शॉप्स भी मिल जाएंगी और आपके चीज़ भी आपको अपनी पसंद की हर चीज़ की मिल जाएगी। तो मुख्तलिफ शॉप्स हैं, मोबाइल मार्केट्स हैं, मोबाइल मार्केट्स के अलावा ये रेस्टोरेंट भी ठहरे हुए, यह बंगाली रेस्टोरेंट है, ये मोबाइल मार्केट है, उसके अलावा ये बंगाली मार्केट है जिसके नाम से ये गली मशहूर है। तो इससे अलावा आगे चलते हैं, ये देख लें कि भाई ये दुबई की बहुत ही मतलब कि फेमस जगह है, ये गोश्त की जगह हो गई, शॉप हो गई, मोबाइल मार्केट। अब ये देखें यहाँ पे सिम ये सेल करते हैं, खेती सलाद और मुख्तलिफ वो हो गए, चाय की कैफेटेरिया हो गए, कैफेटेरिया, उसके अलावा मिसाला शॉप, मतलब कि हर तरह के आपको शॉप्स यहाँ पे मिल जाएंगे और आपकी ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा इसके साथ एक और गली अटैच होती है, ये देखें ये सामने, तो ये गली यहाँ तक सिर्फ आती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मीट शॉप्स जो होती हैं ना, मीट शॉप इस तरह की होती हैं कि भी बड़ी ही कमाल की यहाँ पे सफाई रखी जाती है। कोई भी आपको कोई मतलब कि जैसे पाकिस्तान में निज़ाम है फट्टे पे लगा के बैठ जाते हैं मीट्स, तो वो सिस्टम नहीं होता। अब ये हो गया सामने बिल्ला, तो सामने हो गया, ये बैग चलते हैं, ये पाकिस्तानी शॉप है बिरयानी की, तो मीट शॉप का इतना ख्याल रखते हैं ना यहाँ पे, ये देखिए किस तरह शीशे में उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, गोश्त अच्छे से ताज़ा होता है इनके पास, वो ज़्यादा मतलब के एक्सपायरी गोश्त इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखते एक्सपायरी गोश्त, यहाँ पे बहुत इस चीज़ की बड़ी मतलब के एक किस्म की सख्ती है हद से ज़्यादा। तो ये आप व्यूवर्स को दिखाने का मकसद बस यही था कि भी मैं चाहता हूँ कि भी दुबई में जो जो अच्छी अच्छी जगहें हैं मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं, ताकि मेरे व्यूवर्स उसे देख के एंजॉय कर सकें। इस तरह की ये भी साथ वाली गली है, यहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है। मेरा इतना मेहनत करने का मकसद ये होता है कि बिकॉज मैं अपने व्यूवर्स को जो है ना जितना भी हो सके अच्छी से अच्छी जगहें विज़िट करूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भी मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ ना वो आप तक पहुँचती रहे। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।